आज जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती हम मना, कुछ सकारात्मक परिणाम निकालने का ताकत जयप्रकाश नारायण जी में थी, वो प्रेरणा थी जो लोगों को इस प्रकार से तैयार करती थी। 5-10 साल का अंतराल आ जाता है तो लोगों में बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, निराशा आ जाती है कि अब क्या करना है, जिंदगी बेकार है, चलो एक कोने में अपना गुजारा कर रहे हैं। जयप्रकाश जी के जीवन देख करके हर सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को बड़ी प्रेरणा मिल सकती है कि उनके जीवन में सफलता विफलता, सफलता विफलता अविरत चलती है। इतने उतार चढ़ाव और निराशा आना बहुत स्वाभाविक होता है। उस उम्र में उस व्यक्ति में वो चेतना थी कि देखा देश का हाल, फिर खड़े हो गए, फिर मैदान में आ गए, संपूर्ण क्रांति का विचार लेकर के आ गए और लाठी गोली जुल्म के बीच आ गए। मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों से कभी निराश नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा जयप्रकाश जी का कोई संदेश नहीं हो सकता। 11 अक्टूबर का दिन भी हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है। हम भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी याद करते हैं जिनकी जयंती भी 11 तारीख को ही है। ग्रामोदय के प्रति उनका जो पूर्ण समर्पण था, कल्पनातीत था। उन्होंने ग्रामोदय के साथ संघ परिवार की कार्यशैली को भी जोड़ा। उन्होंने समाज शिल्पी की एक परंपरा खड़ी की। यंग कपल्स समाज के लिए निकल पड़े और ऐसे सैकड़ों कपल निकले, चाहे भीड़ हो, गोंडा हो, चित्रकूट हो और भी अनेक स्थान हो, जहां आज भी ऐसे समर्पित समाज शिल्पी ये कपल नाना जी ने जो राह दिखाई उस राह पर काम कर रहे हैं। यानी अपने रहते समय काम करना उतना ही नहीं, लेकिन अपने न रहने के बाद भी वो संस्था और विचार आगे बढ़े, इसकी परफेक्ट सोच नाना जी ने 60 अर्थ में साकार करके दिखाई।